हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छी प्रकार कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसके आक्रमण के बाद हुई थी। इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सेकेंड ऑप्शन है किंग फिलिप, और थर्ड ऑप्शन है सिकंदर महान, और फोर्थ ऑप्शन है आर्किमिडीज। तो फ्रेंड्स, आप जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी होगा, सिकंदर महान। मौर्य राजवंश की जो स्थापना सिकंदर महान के आक्रमण के बाद हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजी पर किसकी कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे फ्रेंड्स। तो एजी पर किसकी कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है, तो इसका भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डी होगा, काली। तो एजी पर काली कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किसके साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा ए होगा, श्रीलंका। तो भारत जो है श्रीलंका के साथ असली सीमा साझा नहीं करती है, और भारत के साथ जो अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो दिया है ये भारत के साथ असली सीमा साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना है। इसका भी आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट है 0.1, सेकेंड है 0.001, और थर्ड है कि 1 है, और फोर्थ है 0 है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी है, एक। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैल किस राज्य का राजकीय पशु है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स कि बैल किस राज्य का राजकीय पशु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा सी होगा, बिहार। तो बैल जो है बिहार राज्य का राजकीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है गोवा, और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सी होगा, गोवा। भगवान महावीर उद्यान गोवा राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी होगा। तो कांच एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुके हैं कि महाकाव्य जो रामायण है किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वाल्मीकि होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, वाल्मीकि। महाकाव्य जो रामायण है वाल्मीकि ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक अच्छा सुचालक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। आपके सामने चार ऑप्शन है, हीरा, कागज, रबड़, ताबा। इसमें से इसका राइट आंसर होगा डी, ताबा। तो तांबा जो है एक अच्छा सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका गलनांक बिंदु बहुत कम है। इसका भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, सीजियम। सीजियम का जो गलनांक बिंदु है बहुत कम होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपका 10 क्वेश्चन में से कितने का आंसर करेक्ट हुआ।
तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।